हाय फ्रेंड्स, अब मैं चेंज करने वाला हूँ अपना पैर का ब्रेक शू, क्योंकि वो बहुत टाइम हो गया मैंने चेंज नहीं किया था, तो इसको मैं चेंज करने वाला हूँ। एंड ये ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड का ब्रेक शू है, ठीक है। 252 लिखा है, 250 का नॉर्मली मिल जाता है, ठीक है। एंड ओरिजिनल है, ठीक है। इसके साथ स्प्रिंग आते हैं, ये दो ब्रेक शूज आते हैं पेयर में, तो इसको मैं चेंज करने वाला हूँ। लेट्स सी। ब्रेक शू ओपन करने के लिए आपको चाहिए परफेक्ट टूल और परफेक्ट लोकेशन। लोकेशन मीन्स आपका बेस जो होना चाहिए वो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि आप जब मेन साइड में गाड़ी खड़ा करें तो बेस हिले नहीं और कोई इंसिडेंट का चांसेस ना बने। तो फर्स्ट हम खोलते हैं व्हील का मेन बोल्ट। तो उसको ओपन करने के बाद हमें ओपन करना है, ब्रेक शू को रिलीज़ करना है, जो कि जिससे जो एडजस्टमेंट रॉड होती है उससे 30 नंबर के पाने से हमको उसको ढीला करना है। ढीला करने के बाद हम जो एक्सेल बोल्ट है वो हम निकालने वाले हैं। तो हल्का सा हथौड़े से आप कर सकते हैं, ज़्यादा कस के नहीं मारना है, वरना थ्रेडिंग वहाँ पे ख़राब हो सकती है। उसको ओपन करने के बाद हमको व्हील को बाहर निकालना है। व्हील को हल्का सा आप खींच के एक तरफ को हल्का सा बैंड करके आप व्हील को आराम से निकाल सकते हैं। अब आपको खोलना है रेयर स्पॉकेट्स और एक सिंगल बोल्ट पे वो निकल जाता है। उसके बाद आपको टीथ बोल्ट जो बोलते हैं उसका आपको मार्किंग वहाँ कर लेना है, सो दैट कि बाद में आपको जो एडजस्टमेंट हो चेन टाइटनेस का जो एडजस्टमेंट होता है वो आपको प्रॉपरली हो जाए और उसके बाद वो इश्यूज बाद में ना आए, ठीक है। आपको बाद में याद नहीं रहेगा कि टीथ कहाँ था, ठीक है, बट वो कैसे करते हैं वो मैं आपको आखिरी में बताऊँगा। घर में वैसे ये करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है कई लोगों के लिए, बट हाथ गंदे करने वाली बात है। तो ये देख सकते हैं आप, ये ओपन हो चुका है। ब्रेक शू कई बार खराब नहीं होते हैं, वो ऊपर से थोड़े से स्मूथी हो जाते हैं, मतलब चिकने हो जाते हैं। तो कभी कई बार आप उसको एमरी पेपर रगड़ के उसको दोबारा रीयूज भी कर सकते हैं, मगर मैं इसको चेंज करने वाला हूँ, मैं नया यूज करने वाला हूँ। नया यूज करने से पहले उसको फिट करने से पहले, फिट करना बहुत ही ईजी है, आप इजीली उसको फिट कर पाएंगे। सेम जैसा आपने प्रीवियसली आप जो आपको पुराना वाला है वैसे ही सेम आपको वहाँ फिट करना है। उसके बाद अच्छे से जो ब्रेक शू का एरिया वहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग कर लीजिए, देखिए कोई ग्रेस या ऐसा आइटम ना हो, या फिर कोई घिस ना रहा हो या लाइनिंग ना हो। अब इसको करते हैं हम रीफिट और ट्राई करिए कि ये बहुत छोटा काम है वैसे तो, मगर ट्राई करिए कि बाहर करा लीजिए। जिनको अपने गाड़ी का खुद सर्विसिंग करना ज़्यादा पसंद आता है तो वो कर सकते हैं, बट ट्राई करिए कि छोटे मोटे जो काम है वो आप बाहर से करवा लें, बट फिर भी आइडिया होना चाहिए गाड़ी के बारे में। अब उसके बाद करते हैं हम रीफिट। रीफिट में आपको एक बोल्ट जो है एकदम फ्रंट साइड में रखना है, बैक साइड में नहीं रखना है। टाइट करने हल्का टाइट करिए, क्योंकि आपको अभी एडजस्ट करना है जो टीथ बोल्ट होता है उसको एडजस्ट करना है। टीथ बोल्ट वहीं लगाइए जहां पर पहले लगा हुआ था, क्योंकि वो परफेक्ट एडजस्टमेंट होगा। अगर बाई चांस आपको अगर चेन ढीला या टाइट लग रहा है तो आप डिफरेंट टीथ के साइज ले सकते हैं, ठीक है। वो डिस्टेंस पीछे खींचने के काम आता है टीथ बोल्ट जो होता है। तो आप देख सकते हैं टाइट हो चुका है, ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है। वैसे तो बहुत इजी है प्रोसीजर, बट जैसे मैंने बताया कि हाथ गंदे वाला करने वाला काम है तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है। ये मैंने वीडियो जो आपको बताया वो शॉर्ट में बताया हुआ है, सो दैट आपको एक स्टेप बाय स्टेप आइडियाज हो कि आपको क्या क्या ओपन करना पड़ेगा। अब कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एडजस्ट करके व्हील एक बार रोटेट करना है, एंड दैट्स इट। ये काम खत्म हो चुका है। एडजस्ट करते वक्त याद रखिए कि पहले आपको फुल टाइट कर लेना है, उसके बाद दो तीन चूड़ी पीछे की तरफ ले जाएंगे आपको, तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया हो जाएगा कि एडजस्टमेंट हो जाएगा एंड आइडिया हो जाएगा व्हील एकदम फ्री है।